नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पीएफ का बैलेंस ऑनलाइन जाकर हम कैसे चेक कर सकते हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो दोस्तों, जानने के लिए वीडियो के साथ बने रहिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा दोस्तों। तो चलते दोस्तों हम वीडियो की तरफ। उसके लिए दोस्तों सबसे पहले हम ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र, और यहाँ पर दोस्तों ईपीएफओ का जो ऑफिशियल साइट का लिंक है उसे हम यहाँ पर टाइप कर लेते हैं। और दोस्तों, अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल कर रख देंगे, आप वहाँ पर भी डायरेक्टली जाकर अपना ईपीएफ का बैलेंस चेक कर सकते हो। तो जैसे कि दोस्तों हमने वेबसाइट ओपन किया तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से ईपीएफ का जो वेबसाइट है वो ओपन होकर आ चुका है। और यहाँ पर देखिए फॉर एम्प्लॉइज़ का जो ऑप्शन है उस पर हम क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर देखिए सर्विसेज के नीचे मेंबर पासबुक का ऑप्शन दिख रहा है। पासबुक चेक करने के लिए दोस्तों हम उसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर हमसे हमारा यूएन नंबर और पासवर्ड पूछा जा रहा है। तो हमारे पास दोस्तों बैलेंस चेक करने के लिए हमारे पास यूएन नंबर और पासवर्ड रहना ज़रूरी है। अगर हमारे पास यूएन नंबर और पासवर्ड अवेलेबल नहीं है तो दोस्तों उसके बगैर आप अपना पीएफ का बैलेंस चेक नहीं कर सकते हो। और दोस्तों, अगर आपके पास यूएन नंबर और पासवर्ड अवेलेबल नहीं है तो आप अपने एम्प्लॉयर से यूएन नंबर पासवर्ड मांग सकते हैं। अदरवाइज़ दोस्तों आपके सैलरी स्लिप पर भी यूएन नंबर लिखा रहता है, और उसे जैसे ही आपको यूएन नंबर मिल जाता है उसे आपको एक्टिवेट करना होता है। एक्टिवेट करने के लिए दोस्तों हमने एक वीडियो भी बनाया है, आप उसे देख सकते हैं, और उसके द्वारा आप अपना यूएन नंबर एक्टिवेट कर सकते हैं। दोस्तों, जैसे आपको यूएन नंबर और पासवर्ड मिल जाता है एक्टिवेट करने के बाद, आप यहां पर यूएन नंबर और पासवर्ड मेंशन कर लेंगे, और कैप्चा फिल करने के बाद आपको लॉगिन कर लेना है। तो दोस्तों, जैसे हम यूएन नंबर और पासवर्ड डालने के बाद लॉगिन करते हैं तो हमारा जो पीएफ पासबुक का जो लॉगिन है सक्सेसफुली हो जाता है। उसके बाद यहां पर देखिए सेलेक्ट मेंबर आईडी, मतलब दोस्तों आप कितनी कंपनियों में काम कर चुके हो वो सारा कंपनी का यहाँ पर पीएफ नंबर शो करेगा। आप जिस भी कंपनी का पीएफ बैलेंस चेक करना चाहते हो उसे आप सेलेक्ट कीजिए। उसके बाद दोस्तों नीचे देखिए यहाँ पर व्यू पासबुक न्यू ईयरली और व्यू क्लेम स्टेटस, उसके बाद व्यू पासबुक ओल्ड फुल। अगर आपको पूरा बैलेंस चेक करना है तो दोस्तों व्यू पासबुक ओल्ड फुल के ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है, तो आपका उस कंपनी का जितना भी पीएफ में बैलेंस है वो सब आपके सामने ओपन होकर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए टोटल एम्प्लॉय शेयर, एम्प्लॉयर शेयर और पेंशन कंट्रीब्यूशन टोटल कितना है वो सब यहाँ पर देखिए टोटल शो हो रहा है, और मंथली बेसिस पे कितना हमारा कंट्रीब्यूशन मिला है वो सब इसमें शो कर रहा है। ठीक है, इस तरीके से दोस्तों आप अपना अलग अलग कंपनी का सब बैलेंस चेक कर सकते हो सेलेक्ट करके। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये पासबुक डाउनलोड करना है तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में डाउनलोड पासबुक का ऑप्शन भी दिख रहा है। ठीक है, तो जैसा कि हमने यहाँ पर तीन कंपनियाँ हैं सबको हमने सेलेक्ट करके यहाँ पर व्यू कर लिया, तो सब बैलेंस यहाँ पर शो कर रहा है दोस्तों। ठीक है, चार कंपनियाँ हैं दोस्तों। तो चलते दोस्तों हम पासबुक अभी डाउनलोड कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों ओपन होने में थोड़ा टाइम लग रहा है, कुछ सर्वर इशू है दोस्तों, थोड़ा स्लो चल रहा है। ठीक है, तो कभी कभी ऐसा इशू आता रहता है पीएफ पोर्टल पर। और दोस्तों अभी फ़िलहाल एक नॉमिनेशन का भी चालू हुआ है, तो जिसमें दोस्तों आपको पीएफ पर नॉमिनी ऐड करना कंपलसरी है। अगर दोस्तों आपने पीएफ पर नॉमिनी ऐड नहीं किया है तो भी आप पीएफ का बैलेंस चेक नहीं कर सकते हो। अगर दोस्तों आप पीएफ बैलेंस चेक करने जाते हो तो वहाँ पर शो करता है कि पहले आप नॉमिनी ऐड कीजिए, उसके बाद आपका पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि दोस्तों अभी देखिए साइट ओपन हो चुका है, तो यहाँ पर देखिए सब बैलेंस दिख रहा है। तो चलते दोस्तों पासबुक डाउनलोड कर लेते हैं। ठीक है, तो हम ये कंपनी का हम पासबुक ओपन कर लिए हैं, और अभी देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड में डाउनलोड पासबुक का ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, पासबुक डाउनलोड करने के लिए दोस्तों हम ये देखिए डाउनलोड पासबुक के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं नीचे। ठीक है, ये देखिए यहाँ पर डाउनलोड फाइल का ऑप्शन दिख रहा है, तो उस पर हम क्लिक कर लेते हैं, और कहाँ पर हमें सेव करना है वो सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो भी नाम देना है एक नाम भी हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेते हैं, लिख लेते हैं। ठीक है, ये देखिए हमारा जो लेफ्ट साइड में कॉर्नर में देखिए हमारा पासबुक डाउनलोड होकर आ चुका है पीडीएफ में। तो हम जैसे ही ओपन करते हैं देखिए कुछ इस तरीके से हमारा जो पासबुक है ओपन होकर आ जाता है। इसमें जो भी हमारा कंट्रीब्यूशन एम्प्लॉई और एम्प्लॉयर के द्वारा पीएफ पोर्टल पर हुआ है, ठीक है, वो सब यहाँ पर देखिए शो कर रहा है। पेंशन कंट्रीब्यूशन कितना है, एम्प्लॉय शेयर कितना है, एम्प्लॉयर शेयर कितना है। ठीक है, तो दोस्तों आप कुछ इस तरीके से आपका अपना पीएफ बैलेंस ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हो। और ध्यान रहे दोस्तों आपको यूएन नंबर पासवर्ड और ई नॉमिनेशन कंपलसरी है। ठीक है, ई नॉमिनेशन फ़िलहाल के लिए दोस्तों कंपलसरी है, आगे क्या होगा वो पता नहीं।
वो चेंज होता रहता है पीएफ का रूल्स, तो अभी फ़िलहाल तो कंपलसरी ई नॉमिनेशन। तो इस समय अगर आप पीएफ बैलेंस चेक करने जा रहे हैं तो ई नॉमिनेशन कंपलसरी है दोस्तों, तो ई नॉमिनेशन के बाद ही आप पीएफ बैलेंस चेक कर सकते हैं, ठीक है। आगे वाले वीडियो में दोस्तों हम ई नॉमिनेशन हम कैसे करेंगे उसके बारे में बताएंगे। तो फिलहाल के लिए इतना ही दोस्तों, वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और हाँ दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो इसी के साथ चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।